11 नवंबर 2022 को दिल्ली के चांदनी चौक के अंतर्गत में थाना आता है कोतवाली, वहाँ पे एक मनोज जायसवाल करके एक स्वर्ण के व्यवसायी हैं, उनके यहाँ से दो व्यक्ति जो वहाँ पे पहले से सर्वेंट का काम करते थे उनके द्वारा लगभग 2.5 किलो सोने के जेवरात की चोरी कर ली गई। इस संबंध में 12 नवंबर को कोतवाली थाने दिल्ली में जो चांदनी चौक के नज़दीक पड़ता है वहाँ पर FIR दर्ज किया गया। FIR में यह बताया गया कि दो व्यक्ति जो हैं वो नामजद अभियुक्त बनाया गया है और वो व्यक्ति रहने वाले हैं बिहार के और झारखंड के रहने वाले हैं, तो उनके द्वारा 2.5 kg जो है स्वर्ण के जेवरात की चोरी कर ली गई है। इस संदर्भ में जब हम लोगों को जब पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को सूचना मिली कि वहाँ से टीम आ रही है, तो हम लोगों ने एक ज्वाइंट टीम बनाई जिसमें जोगेश कुमार हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं पदाधिकारी हैं और उनकी टीम है, और हमारे थाना प्रभारी जो हैं विनोद कुमार प्रतापपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, उसे मैं खुद मॉनिटर कर रहा था, और इस टीम ने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से और त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत जल्द और कम समय में छोटू रजक नाम के व्यक्ति हैं जो कौरा के रहने वाले हैं, वह प्रतापपुर थाने के अंतर्गत में आता है, यह पता चला कि उनके यहाँ स्वर्ण के जो आभूषण हैं वह छिपा के रखे गए हैं। जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो हम लोगों ने पाया कि यह आभूषण को वो जमीन में गाड़ करके पुलिस से बचने के लिए छिपा के रखा था, और हम लोगों ने उसे रिकवर किया। रिकवर करने के बाद 1 किलो 900 ग्राम लगभग आभूषण जो हम लोगों ने बरामद कर लिया है, और अभी आगे भी हम लोग इसके प्रयास कर रहे हैं कि और जो बचा हुआ है वह भी जल्दी बरामद हो जाए। एक अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, उसका नाम है छोटू रजक, यह कौरा प्रतापपुर का रहने वाला है। जो रिकवर हुआ है वो 330 जोड़ी सोने के ईयर रिंग है, ये लगभग 854 ग्राम है, और 39 जोड़े सोने के नेकलेस हैं जो लगभग 1 किलो 36 ग्राम है, तो कुल मिला के लगभग 1 किलो 900 ग्राम हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और जो व्यक्ति फरार हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से प्रतापपुर और चतरा पुलिस की यह बहुत बड़ी कामयाबी है। रुकिए कभी सर, रुको भैया।